गुड मॉर्निंग बच्चों, और ये एक नई चीज आपके सामने लेकर के मैं प्रस्तुत हूं। और इस नई चीज का नाम है, जो कि आप जानते हैं, एडिटोरियल्स। इन एडिटोरियल्स के जो फायदे हैं आपकी पढ़ाई में, मीन्स आपके एग्जाम्स के लिए, वो इतने ज्यादा हैं कि आप अगर इनको अच्छे से इनका स्टडी करें इनको, तो ये जो मैंने चीजें लिखी हैं वो सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं कि एक बच्चा है जिस बच्चे ने एडिटोरियल रेगुलर स्टडी करते करते एक ऐसी पोजिशन हासिल की जहां पे सीजीएल लेवल पे, मेंस लेवल पे वो 170 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर लेता है, जितनी भी वो स्पीड टेस्ट दिया करता है। ये सब कहां से हुआ? इसी एडिटोरियल के। ये मेरा सेगमेंट है दो हिस्सों में, जिसे मैंने बांटा हुआ है। पहला, हाउ टू रीड एडिटोरियल्स, एडिटोरियल्स को कैसे पढ़े हम। दूसरा, एडवांटेजेस ऑफ एडिटोरियल्स, कि एडिटोरियल्स के फायदे क्या है, उसके लाभ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि हाउ टू रीड एडिटोरियल्स, एक एडिटोरियल को पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है। तो मैंने जो समझा है वो ये है कि उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है? कॉन्सेप्चुअल मेथड। कॉन्सेप्चुअल मेथड समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट से संबंधित। तो बहुत बार आप देखते होंगे कि इस तरीके के एडिटोरियल्स पढ़े या पढ़ाए जाते हैं जिनमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाता है कि उस एडिटोरियल के माध्यम से आपको क्या बताया जा रहा है। इसका फायदा क्या होता है? जो आपके जीएस या जीए की चीजें होती हैं वो सब चीजें आपके क्लियर हो जाती हैं। आपका एक टॉपिक तैयार हो जाता है कि उस चीज, उस एडिटोरियल में क्या बताया गया। लेकिन ये मेथड आपके इंग्लिश में इंफ्लुएंशियल नहीं, हम इस बेहतर नहीं है। अगर आपको इंग्लिश के पर्पज से आपको एडिटोरियल को पढ़ना है तो आपको दूसरा मेथड अपनाना होगा, डिस्क्रिप्टिव मेथड। जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है, इसमें हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। यही चीज होता है इसमें। कॉन्सेप्चुअल मेथड में हम कोई आइडिया, एक कॉन्सेप्ट विकसित कर लेते हैं। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, इसमें हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में कई सारी चीजें सामने उभर करके आती हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। दूसरी जो हेडिंग आपकी वो है एडवांटेजेस ऑफ एडिटोरियल्स, कि एडिटोरियल्स के फायदे क्या है। आप विश्वास करिए, बहुत फायदे हैं आपको यदि आप रेगुलरली एडिटोरियल्स का स्टडी करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। तो जो फायदे समझ में सामने आते हैं वो देखिए निम्नलिखित है। सबसे पहली जो प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी बुक आई प्रिपरेशन। जितने भी आप एग्जाम्स देते हैं, अगर आप उनको बेहतर करना चाहते हैं तो एक क्राइटेरिया बना लें। अगर आप एसएससी बेस्ड कोई एग्जाम देते हैं तो आप द हिंदू या इस तरीके के, द हिंदू है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस है, इन पेपर्स को अपना क्राइटेरिया बना लें कि हमें इन पेपर्स की वोकैब को तैयार करना है। और अगर आप बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर आता है, उसको अपना आधार बना लेना चाहिए। हमारा जो टारगेट यहां पे है वो एसएससी बेस्ड है स्पेशली। तो वो कैप प्रिपरेशन जो एडिटोरियल के थ्रू आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि शब्द चूंकि वहां रेगुलरली रिपीटेड होते रहते हैं, तो फिर आप आराम से उन चीजों को एक कॉन्सेप्ट के थ्रू तैयार कर लेते हैं। चूंकि रेफरेंस दिया गया होता है और आपको पता होगा रेफरेंस में वर्ड्स को तैयार करना बहुत आसान है, ये एडिटोरियल का पहला फायदा है वो कैप प्रिपरेशन। देखिए दूसरा फायदा एडिटोरियल का क्या है, ये है कॉमन एरर्स। मीन्स अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ें अगर आप, तो हर हाल में बहुत सारे कॉमन एरर्स जो है वो एडिटोरियल्स के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। विश्वास करिए, बहुत सारे कॉमन एरर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित जितने भी कॉमन एरर्स होते हैं वो एडिटोरियल के थ्रू आप तैयार कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें जो धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा, वो कॉमन एरर्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं एडिटोरियल के थ्रू। तीसरा फायदा है सेंटेंस पिलर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके एग्जाम्स में। तो उसमें जैसे कंजंक्शन कौन सा भरना है, प्रीपोजिशंस कौन से भरने हैं, कौन सा एडवर्ब या कौन सा एडजेक्टिव सूटेबल होगा, ये सारी चीजें आप सेंटेंस पिलर से संबंधित एडिटोरियल्स के थ्रू आप गेन कर सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अगर आपको कॉमन एरर आ रहा है तो अपने आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका बेहतर हो जाएगा। ये चीजें यहां कॉमन एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स वगैरह
आपके एडिटोरियल्स के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जो दो सबसे अच्छे सेगमेंट्स हैं, तीन कह सकते हैं आप, वो जो एडिटोरियल्स के थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं वो है क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस अरेंजमेंट। क्लोज टेस्ट कैसे इसमें फायदा ले सकते हैं आप, इसमें जैसे आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आपकी एक आदत हो जाती है शब्दों के बीच में एक माइन्यूट डिफरेंस करना। आपको पता चल जाता है यहां ये शब्द इस रेफरेंस में प्रयोग हुआ था, ये शब्द इस रेफरेंस में प्रयोग हुआ था, तो आप धीरे धीरे अंतर करना जान जाते हैं, जो कि क्लोज टेस्ट की सबसे पहली विशेषता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या हो जाती है क्लोज टेस्ट में आपकी, आप धीरे धीरे जो कॉमन एरर्स वगैरह सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह कर रहे हैं उससे धीरे धीरे आपका एक ग्रामर का पोर्शन प्रिपेयर होता जा रहा है। तो वो चीज जो क्लोज टेस्ट में और भी जरूरी है वो है कि कहां पे कौन सी ग्रामर को रूल को अप्लाई करना है, वो धीरे धीरे आपका विकसित हो जाता है। तीसरा जो फायदा है, पढ़ते पढ़ते आपको पता है कि यहां पे यह प्रीपोजिशन होगा, ये फ्रेजल वर्ब ये मीनिंग रखती है, ये इडियम ये मीनिंग रखता है, ये सारी चीजें भी आपको क्लोज टेस्ट में आपकी मदद करती हैं, स्पेशली फ्रेजल वर्ब्स और प्रीपोजिशन के क्षेत्र में। तो क्लोज टेस्ट के लिए बहुत लाभदायक आपका है एडिटोरियल। कॉम्प्रिहेंशन में कैसे फायदेमंद है, जैसे पढ़ते पढ़ते आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाना आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि इस एडिटोरियल में हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारी जो समरी है वो ये है, ये चीज आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस के आंसर देने में बहुत काम आते हैं, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट बनाने की आदत आती है, यहां यहां पे ये चीज हमको बताया जा रहा है, फिर जब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्योंकि आपने बना लिया कॉन्सेप्ट बना लिया है तो उससे संबंधित जो आंसर्स होते हैं वो अपने आप इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है सेंटेंस अरेंजमेंट्स। बहुत बार बच्चे चाहते हैं जिसे पीक्यूआरएस से संबंधित चीजें उनको इजी हो जाए, जब आप पढ़ते पढ़ते आदती हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यहां इस शब्द के बाद ये क्लॉज आ सकती है, इस शब्द को ये सब्जेक्ट है ये प्रेडिकेट आ सकता है, इस सब्जेक्ट के लिए इस प्रकार का प्रेडिकेट आ सकता है, ये वर्ब आ सकती है, यहां पे हमें इन्फिनिटिव लेना है या फिर जीरण लेना है, ये सारी चीजें आप एडिटोरियल के थ्रू तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप एक एडिटोरियल पढ़ते हैं तो एडिटोरियल के जो लाभ हैं वो आपकी वोकैब प्रिपरेशन में काम आ गए, आपके कॉमन एरर्स में काम आ गए, सेंटेंस फिलर्स स्पेशली कंजंक्शन प्रीपोजिशंस एडवर्ब्स वगैरह में काम आ गए, आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स में काम आ गए, क्लोज टेस्ट में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे अगर आप आदत बना लेते हैं तो। कॉम्प्रिहेंशन आपका क्लियर हो जाएगा, आदत बन जाएगी आपकी, और सेंटेंस अरेंजमेंट्स में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। जब मैं एडिटोरियल पढ़ाऊंगा तो इन एडिटोरियल्स को पढ़ाते हुए मैं सारी चीजें अपने दिमाग में रखूंगा कि अगर कोई लाइन हम पढ़ रहे हैं तो उसका हम किस तरीके से फायदा ले सकते हैं। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ये सेंटेंस एक मान लीजिए किसी में लाइन में आपको दी गई है, किसी एडिटोरियल की लाइन में आपको दिया गया है, तो आप देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं यहां पे। ईच ऑफ आर नॉट क्यूरियस टू आवर कंट्री। अगर इसको सबसे पहले पढ़िए तो हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ईच ऑफ लीडर प्रत्येक जो नेता है are not curious, वो उत्सुक नहीं है to bring peace to our country, हमारे देश में शांति ले आने। लेकिन अगर आप देखें कई चीजें आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप जानें कि each of के बाद जब हम एक noun का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हमें the लेना होता है। यदि हमारे पास कोई possessive नहीं है तो फिर हमें यहां पे the लेना होगा, each of the leader।
अब जैसे हमने द लीडर लिया तो हमें याद होना चाहिए कि ईच ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, इनके तुरंत बाद हमें हमेशा प्लूरल लेना है। तो गया ईच ऑफ द लीडर्स। फिर आर नॉट क्यूरियस, आर अगर आपको याद हो ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो फिर ये आर जो है वो इज हो जाएगा। फिर है नॉट क्यूरियस, सही है। टू ब्रिंग अ पीस, सही है। टू आवर कंट्री, वो हमारे देश को शांति ले आने में क्यूरियस नहीं है, वो हमारे देश में शांति ले आने में क्यूरियस नहीं है। जहां टू है यहां पे इन हो जाए। ये हम कैसे सीख सकते हैं? कोई लाइन पढ़ते जब मैं आपको कोई एडिटोरियल पढ़ाऊंगा, मैं सारी चीजें अपनी मैनेज करूंगा कि आप उसके जो वोकैब सेक्शन है वो आपका क्लियर होता जाए। हर एक एडिटोरियल में जो उसमें कॉमन एरर्स आप एग्जाम्स के पर्पस से तैयार करना चाहते हो वो तैयार हो जाए आपका। जो सेंटेंस अरेंजमेंट है, कॉम्प्रिहेंशन आपका है, क्लोज टेस्ट है, उससे संबंधित चीजें आपकी सिंप्लीफाई हो सके आपकी। और जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस फिलर्स से संबंधित चीजें, स्पेशली प्रीपोजिशंस वगैरह के कैसे यूसेज होते हैं, वो सारी चीजें मैं एडिटोरियल के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जो जल्दी ही आपको मिलने लगेगा। तो आप ये सारे समझ लें, एक एडिटोरियल पढ़ने के बहुत 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 फायदे हैं, आप उसका निश्चित ही लाभ लेना चाहेंगे। जो नेक्स्ट जो सेगमेंट मेरा शुरू होगा इसमें, वो हम किस तरीके से पढ़ें, मैं हर एक शब्द हर एक लाइन को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप समझते जाएं वहां पे। तो धीरे धीरे वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो एडिटोरियल को बेहतर तरीके से समझ सकें, स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं, शुरुआती तौर पे जो तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए एक वरदान की तरह, ब्लेसिंग की तरह होगा। तो नेक्स्ट हम इसी सेगमेंट में मिलेंगे कि हम एडिटोरियल के साथ कैसे उसकी रिवीजन करते हैं। गुड नाइट, थैंक यू।